नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और हमारे चैनल पे जो कंप्यूटर ग्राफिक्स ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कलर सीआरटी मॉनिटर के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सीआरटी के बारे में बताया था कि किस तरीके से क्या क्या कंपोनेंट्स हैं सीआरटी के और वो सीआरटी किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से जो इमेज है वो स्क्रीन पर क्रिएट होती है। आज हम बात करेंगे एक कलरफुल इमेज क्रिएट करने के लिए, तो जिसके लिए दो मेथड यूज होते हैं, बीम पेनिट्रेशन मेथड और शेडो मास्क मेथड। इस वीडियो में मैं इन्हीं दो मेथड के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीम पेनिट्रेशन मेथड। दोस्तों, बीम पेनिट्रेशन मेथड जो है वो रैंडम स्कैन मॉनिटर्स में यूज होता है फॉर डिस्प्लेइंग कलर पिक्चर्स। इस मेथड में सीआरटी स्क्रीन पर फॉस्फोर के टू लेयर्स कोटेड होते हैं, एक रेड और एक ग्रीन। तो स्क्रीन पर जो कलर डिस्प्ले होना है ये डिपेंड करता है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है वो फॉस्फोर लेयर से कितनी स्पीड के साथ स्ट्राइक करती है, उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी जो इमेज है, जो पिक्चर है, उसका कलर कैसा होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बीम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही स्लो स्पीड के साथ आ रहे हैं वो जो आउटर रेड लेयर है उसके साथ आकर के स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तब आपका जो रेड कलर है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। और इसमें जो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर ग्रीन लेयर पर स्ट्राइक करते हैं, तब वहाँ पर ग्रीन कलर शो होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो इंटरमीडिएट स्पीड से आते हैं वो स्ट्राइक करते हैं रेड और ग्रीन लेयर के मिडिल में, तो रेड और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन बनता है उससे दो कलर्स आते हैं, ऑरेंज और येलो। वो दोनों कलर्स भी इमेज में डिस्प्ले हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो है इस रैंडम स्कैन मॉनिटर में सिर्फ चार ही कलर में इमेजेस कोई भी डिस्प्ले होती है, वो चार कलर हैं आपके रेड, ग्रीन, ऑरेंज और येलो। ठीक है, अब इसकी अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये है दोस्तों कि ये बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है, ये कोई महंगी टेक्निक नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इस टेक्निक के थ्रू जो आप इमेज क्रिएट करते हैं उसमें केवल आप चार ही कलर डिस्प्ले होते हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज और येलो। और बीम पेनिट्रेशन मेथड को यूज करके जो इमेजेस क्रिएट होती हैं वो उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है, चलिए अब दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं, शेडो मास्क मेथड। दोस्तों, शेडो मास्क मेथड को यूज करते हैं रास्टर स्कैन मॉनिटर्स। ठीक है, और इस मेथड के अंदर जो आपकी सीआरटी स्क्रीन है उसमें तीन फॉस्फर कलर डॉट्स होती हैं। एक फॉस्फर डॉट जो है वो रेड लाइट जनरेट करती है, दूसरी ग्रीन लाइट जनरेट करती है और तीसरी ब्लू लाइट जनरेट करती है। तो इसमें जितने भी कलर्स यहाँ पर जनरेट होंगे वो रेड, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से होंगे। ठीक है, तो इस तरह के सीआरटी में तीन इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन एक कलर डॉट के लिए। तो तीनों कलर की हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और एक शेडो मास्क लगा होता है। शेडो मास्क ग्रिड होती है जो कि फॉस्फर कोटेड स्क्रीन के जस्ट बिहाइंड में होती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, एक्चुअली तीन इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो डिफ्लेक्ट करती हैं स्क्रीन के ऊपर और एक एज ए ग्रुप वो स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ती हैं, जहाँ पर स्क्रीन से पहले लगा हुआ है शेडो मास्क। तो उस शेडो मास्क पर वो फोकस करती हैं एज ए ग्रुप। शेडो मास्क क्या है, एक फिल्टर का काम करता है जो कि आपकी फॉस्फर कोटेड स्क्रीन से जस्ट पहले लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे राउंडेड स्मॉल सर्कल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब तीनों इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन बीम्स निकल रही हैं वो इस पर फोकस करती हैं और इनके होल से होकर के पास होती हैं। वहाँ पर जो शेडो मास्क है वो कलर डॉट्स को एक्टिवेट कर देता है और इस तरीके से जो स्क्रीन है उस पर कलर डिस्प्ले होते हैं इमेजेस में। लेकिन किस पिक्सल पर, किस पॉइंट पर कौन सा कलर डिस्प्ले होना है ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ रेड, ग्रीन और ब्लू फॉस्फर से। ठीक है, तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो कितनी स्पीड के साथ रेड, ग्रीन और ब्लू फॉस्फर पर स्ट्राइक करती हैं
ये उससे डिपेंड होता है कि कौन सा कलर यहाँ पर डिस्प्ले होना है। दोस्तों इस मेथड के थ्रू जो इमेजेस क्रिएट होती हैं उस इमेज के अंदर मिलियंस ऑफ कलर्स हो सकते हैं। जितने भी कलर्स जनरेट होते हैं वो रेड ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से होते हैं। चलिए बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। शैडो मास्क मेथड का यूज करके आप रियलिस्टिक इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं और उन इमेजेस में जो कलर्स होते हैं आप मिलियंस ऑफ कलर्स में वो इमेजेस आपकी जनरेट हो सकती हैं, ठीक है। इन इमेजेस में आप शैडो सीन्स भी पॉसिबल है कि आप उनको क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी शैडो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि जो इमेजेस क्रिएट हो रही हैं वो लो रिजोल्यूशन में है और ये टेक्निक थोड़ी सी एक्सपेंसिव है अदर देन बीम पेनिट्रेशन मेथड। तो दोस्तों ये थी हमारी कलर सीआरटी मॉनिटर्स की दो टेक्निक, बीम पेनिट्रेशन मेथड और शेडो मास्क मेथड। इनके थ्रू हम एक कलरफुल इमेज हम डिस्प्ले करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस ट्यूटोरियल की और आने वाले ट्यूटोरियल्स की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।